वेलकम वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का उनके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम कुछ मज़ेदार लेकर आ गए हैं। ईद आ गई है तो हम क्या लेकर आ गए हैं? कुनाफा। वैसे तो कुनाफा बनाने के लिए एक स्पेशल डो आता है, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये वाला डो आता है, बट ये हर जगह नहीं मिलता। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं ये सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। वर्मीसेली से भी बना सकते हैं, नॉर्मल सिवई से भी बना सकते हैं, फेनी से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ रोस्टेड जो वर्मीसेली आपके पास मिलती है ना लोकल मार्केट में, उससे आपको बना के दिखा रही हूँ। पर इसकी जो रेसिपी है ये बिल्कुल परफेक्ट वैसी बनने वाली है जैसे कि आपको कुनाफे की बनती है। तो मेरे संग लास्ट तक बने रहिए, मैं सीक्रेट रिवील करने जा रही हूँ। यहाँ अभी पहले हम इसका शुगर सिरप बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 कप पानी ले लिया और उसमें 1/4 कप ही चीनी डाल दी है और उसको डिज़ोल्व होने तक चला लेंगे। और इसमें 2-4 ड्रॉप्स हम नींबू की डाल देंगे। नींबू डालने से क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता शुगर का। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गुलाब जल। अगर गुलाब नहीं है तो आप केवड़ा भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाली है। और 5 मिनट तक आपको इसको पकाना है, 5 से 7 मिनट तक पकाइए। आपकी इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल चिपचिपी हो जाए, तार मत बनाइए, सिर्फ थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए तो बस इसे साइड में रख दीजिए और आपका शुगर सिरप बनके बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गया है। तो बस आगे हम क्या करेंगे, जो हमने सिवैयाँ ली हैं, 2 पैकेट सिवैयाँ मतलब 300 ग्राम सिवैयाँ ले ली हैं। और इसके अंदर मेरी ये रोस्टेड थी, अगर रोस्टेड ना हो तो इस टाइम पे थोड़ा सा रोस्ट कर लें। और उसके बाद 100 ग्राम मैंने बटर ले लिया है और बटर को मैंने इसके अंदर डाल दिया और अच्छे हाथों से मैं इसको मिला रही हूँ। तो मैं कह रही थी कि मैंने कई वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जहाँ वो सिवैयों से जो है कुनाफा बना रहे हैं, पर वो बड़ा ख़राब, जब उसको बनाओ ना तो उसके बाद वो बहुत हार्ड बनता है। मैंने खुद ट्राई किया है, तो ये जो रेसिपी है इसको लास्ट तक देखिए तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। सॉफ्ट और क्रंची बड़ा मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच इसके अंदर शुगर सिरप डाल दिया था जो अभी बनाया था, और उसके बाद थोड़ा सा खाने का कलर मिला दिया था ऑरेंज और उसको रख दिया। और ये देखिए मैं आपको डो दिखा रही हूँ दोनों, ये कुनाफा जो है जो वाइट वाला है और दूसरी वो सिवैयाँ जो अभी हमने बना के रखी हैं उसके अंदर सारा मिक्स किया है। तो ये दोनों सिवैयाँ, दोनों का टेक्सचर आपको खुद भी पता होगा कि सिवई जो होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और जो कुनाफे का डो होता है ना वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि आपने कभी फेनी खाई होगी तो उसी तरीके का होता है। तो उसको इस टेक्सचर में लाने के लिए, ये आपने आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा, मैं करती हूँ कि आप सिवैयों को एक पैन में डालिए और उसमें 1/2 कप के करीब आप पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद उसे दम पे रख दीजिए ढक के 5 से 7 मिनट के लिए। और जब आपका आप उसे खोलें और आपका टेक्सचर जो है सिवैयों का बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे फेनी का टेक्सचर होता है तो समझिए आपका कुनाफा बिल्कुल परफेक्टली बनने के लिए तैयार है। और इसे साइड में निकाल लीजिए। देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तोड़ के दिखा रही हूँ, मैं फील कर सकती हूँ, आपको भी ये तोड़ कर मैं फील हो रहा होगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। और चलिए अब इधर हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, 1 कप मैंने दूध ले लिया है, उसके अंदर 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है और 3 ही चम्मच मैंने चीनी डाली है, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है और उसे नीचे ही पहले मिक्स किया। जब लम्स उसके हट गए तो मैंने इसको लो हीट के ऊपर पकने के लिए लगा दिया है। और देखिए ये कुक हो रहा है। इसकी कंसिस्टेंसी हमारे को थिक क्रीमी चाहिए तो इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे। और ये मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून या आप कहें 60 ग्राम के करीब क्रीम चीज़ डाल दिया है। जो भी क्रीम चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप डाल दें, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी मलाई भी डाल सकते हैं, और ना भी डालें तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे थोड़ा सा बस रिचनेस आ जाती है। तो बस ऐसे करके इसको मिक्स करके और हम साइड में रख देंगे। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। देखिए थोड़ा सा अभी थोड़ा सा फ्लोई, ये देखिए थोड़ा सा फ्लोई है, और इसको जब हम रखेंगे ना तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो बस यही परफेक्ट स्टेज है। और यहाँ अब कुनाफा लगा लेते हैं हम। तो यहाँ मैंने एक 9 इंच का मेरे पास पैन था जिसको पहले ग्रीस कर लिया अच्छे से, और उसके बाद जो मैंने अभी सिवैयों को दम किया था उनको मैं इसके बेस के ऊपर डाल दूँगी और डाल के बहुत अच्छे से बिल्कुल इसको एक बिल्कुल स्मूथ सा सरफेस बना दूँगी, बिल्कुल इक्वल हर तरफ से हो, बस इतना मैं बना दूँगी। और दबा दबा के मैं उसको देखिए बिल्कुल परफेक्ट कर रही हूँ। स्पैचुला की हेल्प से आप इसे दबा सकते हैं, किसी कटोरी की हेल्प से दबा सकते हैं। और उसके बाद जब ये हो गया तो मैंने इसके ऊपर जो अपनी फिलिंग बनाई थी ना उसको डाल दिया है। फिलिंग को देखिए कॉर्नर्स मैंने छोड़ दिए हैं, कॉर्नर्स पे फिलिंग को मत आने दीजिए नहीं तो बाहर निकल जाती है, तो उस इतना मत कीजिए। और अब हम इसके ऊपर चीज़ डाल रहे हैं। मेरे पास टेक्स मेक्स चीज़ था मैं वो डाल रही हूँ, आप प्रोसेस डाल दीजिए, मोज़रेला हो वो डाल दीजिए, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप डाल दीजिए। और बस इसके ऊपर अब देखिए मैं सिवैयाँ डाल रही हूँ, और सिवैयों को आपने देखा होगा कि मैं कॉर्नर्स से स्टार्ट कर रही हूँ। कॉर्नर्स से स्टार्ट करने से क्या होता है कि सिवैयाँ जो हैं कॉर्नर्स को पकड़ लेती हैं और जो आपकी फिलिंग है वो बाहर नहीं आती। तो पहले कॉर्नर्स से स्टार्ट करके फिर आप सेंटर में आइए।
तो बस देखिए ऐसे कर लीजिए और इसको फिर हल्के हाथ से दबा दीजिए। हल्के हाथ से दबाइए पर प्रॉपरली दबाइए कि आपका जो है बिल्कुल परफेक्टली ये प्रेस हो जाए। चाहे स्पैचुला की हेल्प ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए और देखिए कितना परफेक्ट ये सेट हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम गैस पे भी बना सकते हैं पर अभी मैं आपको इसको ओवन में बनाकर दिखा रही हूँ। अब 180 डिग्री के ऊपर इसको 15 से 17 मिनट तक बेक कर लीजिए और आप देखेंगे उसके बाद बस 5-5 मिनट बाद ना इसको थोड़ा सा ओवन में ही हिलाते रहें तो चारों तरफ से इसको हीट मिल जाएगी। और ये देखिए अब मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको लूज़ कर लूँगी। इसके कॉर्नर्स ना बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होते हैं तो आपको पता लग जाएगा, या क्रंच आ जाएगा उसमें तो आपको पता लग जाएगा परफेक्ट है। और गरम गरम कुनाफा मैंने बाहर निकाल के उसमें जो शुगर सिरप डाला था वो इसके अंदर डाल दिया है और अब इसको अपसाइड डाउन कर लेंगे और देखिए कितना बढ़िया आपका कुनाफा बनके तैयार हो गया है। और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना मज़ेदार लग रहा है। वो फ्लेवर्स जो आ रहे हैं ना गुलाब के और वनीला का और वो सब इतना किचन महक गया ना, मैं आपको क्या कहूँ। और ये मैंने पिस्ता ले लिया है, आप ज़रूरी नहीं है पिस्ते से करें, आप बादाम भी डाल सकते हैं, ना डालें तो ना भी डालिए पर थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए डाल रही हूँ। तो मैंने पिस्ता को थोड़ा सा मिक्सी के अंदर पीस लिया था, उसका पाउडर टाइप बना लिया है और बस उससे हम डेकोरेट कर रहे हैं इसको। और अगर आपके पास रोज़ पेटल्स हों तो आप उसका भी यूज़ करें, बहुत खूबसूरत लगता है। तो मेरे को यहाँ ड्राई रोज़ पेटल्स मिल गई थी तो उसको मैंने इसके ऊपर लगा दिया है और देखिए कितना परफेक्ट और इतना बढ़िया मेरा कुनाफा बनके तैयार हो गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इस टाइप पर भी आपको इसको क्या करना पड़ेगा, शुगर सिरप से जैसे ही अपसाइड डाउन करेंगे ना उस टाइम भी आप इसके ऊपर शुगर सिरप ज़रूर डालें तो आपकी सारी सेवियाँ जो है ना वो परफेक्टली भीग जाएंगी सिरप के अंदर और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा शुगर सिरप हम रख देंगे क्योंकि इंडिविजुअली जब आप किसी को सर्व करेंगे ना तब भी आप प्लेट में डालकर दे सकते हैं कि कुछ लोग थोड़ा सा मीठा चाहते हैं, कुछ लोग हल्का मीठा चाहते हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो आप उस टाइम इसके ऊपर डालकर दे सकते हैं। तो बस ये देखिए हमारा कुनाफा बनके तैयार हो गया है और ये रेसिपी इतनी परफेक्ट बनी थी ना, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारा जो कुनाफा है वो बहुत हार्ड हो गया। आप खुद ही सोचिए ना कि अगर हम हार्ड चीज़ को बेक करेंगे तो वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो इसी वजह से मैंने ये ट्रिक अपनाई थी और इतना परफेक्ट बना इसलिए ये रेसिपी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर की है। तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और दूसरी रेसिपी से थोड़ी सी डिफरेंट भी लगी होगी। तो अगर आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हैं तो प्लीज़ इस रेसिपी को बनाकर देखें और सच में ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपका कुनाफा कैसे बना। तो आप बस इसको बनाइए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ईद का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए। आप सब लोगों को ईद बहुत 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 मुबारक हो। ये देखिए यहाँ मैंने एक पीस काट लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा शुगर सिरप डाल दिया है और बस इसको जब हमने खाया तो इतना मज़ेदार, इतना माउथ मेल्टिंग था ना कि खाकर मज़ा आ गया। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ गई है तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए रेसिपी को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलते हैं फिर, मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ। और अगर आप सेंट कैथरीन्स में हैं तो ये स्टोर चेक कर कीजिए, यहाँ पर आपको कुनाफा का डो मिल जाएगा। कुनाफा हमारे को मिल जाती है, हमारे को स्पेशल उसकी सिवैयाँ चाहिए होती हैं, मिल जाती है तो हम कुनाफा बना लेंगे, नहीं तो फिर हम सिवैयाँ का मुजफ्फर बना लेंगे, या नहीं तो सिवैयों का मीठा बना लेंगे, या फिर शाही सिवैयाँ बना लेंगे। तो इतनी वैरायटी है ना सिवैयाँ बनाने के लिए कि हम कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं और ये दिखाती हूँ हम लोग आ यहाँ पर। ये हमारे यहाँ पर स्टोर है, मदीना ग्रॉसरी स्टोर। अभी मैं दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर है। इसमें इंडियन, पाकिस्तानी, हर तरीके की हमारे को जो है इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं। तो मसाले वसाले सब यहाँ हमारे पास अवेलेबल हैं। जल्दी देखते हैं कुछ अगर मिल जाता है तो तैयारी करते हैं अपनी। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मुझे ना कुनाफा बनाना है, स्पेशली उसकी सिवैयाँ होती है ना, मुझे वो चाहिए। आपके पास मिलेंगी? ओह ओके, ये स्पेशल डो होता है ना, इससे बनाना पड़ता है। हाँ, उससे मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आप मुझे दे दीजिए। ये सब मिलता है आपके पास? ओह ग्रेट, आगे बना बनाया भी है, बस मुझे बनाकर दिखाना है। और नहीं तो उससे सिवैयों से भी बन जाता है ना। ये आसान है। ठीक है, तो एक तो मैं आपसे ये ले लेती हूँ। और सेवियाँ भी है ना आपके पास? ये देखिए यहाँ पर सारा आपको इंडियन और पाकिस्तानी जो भी डिशेस बनानी है, जो भी मसाले बनाने हैं आपको चाहिए, एवरीथिंग यू विल गेट हियर।
ये सब यहाँ मिलता है, सब कुछ है। ओह हींग से लेकर सेवइयों तक। ओ वाह फे, ओ वाह, ओ ग्रेट। क्या चीज ऐसी है जो नहीं है, सब मिल जाता है। आप नहीं है तो।